एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए दिन और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का इतिहास क्या है। टू अवॉइड द न्यूक्लियर वॉर और थर्ड वर्ल्ड वॉर, यूएसए एस्टैब्लिश्ड डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी टू कनेक्ट कंप्यूटर विद ए नेटवर्क ड्यूरिंग द 1969। टू अवॉइड द न्यूक्लियर वॉर और थर्ड वर्ल्ड वॉर, न्यूक्लियर वॉर और तीसरे विश्व युद्ध को टालने के लिए, अवॉइड टू अवॉइड को टालने के लिए यूएसए ने इस्टैब्लिश्ड स्थापित किया डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। डिफेंस होता है सुरक्षा, उच्च एडवांस होता है उच्च, रिसर्च अनुसंधान, प्रोजेक्ट परियोजना, एजेंसी मतलब संस्था, डीआरपा नाम से एक संस्था को संस्थापित किया। टू कनेक्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए, विद ए नेटवर्क, एक नेटवर्क के साथ, ड्यूरिंग दी 1969, 1969 के दौरान। इट मेड पॉसिबल बाय टू ऑफिसर्स, अब इसको संभव बनाया दो ऑफिसर्स ने, एक विंटकार एंड रॉबर्ट कहन। विंटकार और रॉबर्ट कहन को ही फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। वो किसके जाना जाता है, क्योंकि हु इन्वेंटेड टू प्रोटोकॉल्स, क्योंकि उन्होंने दो प्रोग्राम्स बनाए थे, एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल 1974 में और दूसरी इंटरनेट प्रोटोकॉल 1983 में। एक उन्होंने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बनाई थी 1974 में और दूसरी उन्होंने इंटरनेट प्रोटोकॉल बनाई थी 1983 में, ठीक है। एंड डीआरपा गेट चेंज्ड टू, और उसके बाद डीआरपा का जो नाम था वो बदल के रख दिया आर्पानेट, यानी कि एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। अब ये टीसीपी और आईपी के काम करती हैं। टीसीपी ब्रेक्स द डाटा इनटू स्मॉल पैकेट्स, टीसीपी डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करती है, ठीक है। ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी हम इंटरनेट पे कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं, तो वो फाइल जो है वो, जैसे मान लो 1 GB की भेजते हैं, तो वो इकट्ठी नहीं चली जाती 1 GB की, वो कैसे आती है हमें, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के, यानी कि एमबीस में, डिपेंड करता है हमारा इंटरनेट की स्पीड के ऊपर, है ना। अब मान लो जैसे 1 GB का डाटा हमने भेजना हो, तो हमें 1 GB का इकट्ठा नहीं मिलता है, वो डाटा कैसे मिलता है हमें, छोटे छोटे पैकेट्स में मिलता है, 4-5-5 MB करके, है ना। तो उस डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करती है हमारी टीसीपी, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस। ईच पैकेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या काम करती है, ईच पैकेट इट गिव्स एड्रेस फॉर ईच पैकेट बाय गिविंग सीरियल नंबर। आईपी का काम होता है हर एक उस पैकेट को सीरियल नंबर देना, 1, 2, 3, 4 इस तरह से दे देती है। जैसे 5 MB को सीरियल नंबर 1 दे देगी, अगले 5 MB को 2 दे देगी, अगले 5 MB को 3 दे देगी, इस तरह से क्या करती है ये, पहले उस सारे के सारे डाटा को टुकड़ों में तोड़ के हर एक उस पैकेट को एक एक सीरियल नंबर दे देती है। देयर आफ्टर उसके बाद इट फॉरवर्ड द डाटा टू डेस्टिनेशन, के बाद ये डाटा को फॉरवर्ड कर देती है उस डेस्टिनेशन पे जहां पे हमने उसको भेजना होता है। डेस्टिनेशन होती है मतलब वो मंजिल जहां पे हमने चीज को भेजना होता है, उसको हम बोलते हैं डेस्टिनेशन, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरनेट, कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट क्या है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है नेटवर्क्स का, सच एज, जैसे कि लैन, मैन, वैन, पैन, दैट कनेक्ट कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैब, सेलुलर फोन्स, एंड्रॉयड फोन्स, विंडोज फोन, ऑल ओवर द वर्ल्ड विद इन पर्टिकुलर सर्वर्स, ठीक है। इंटरनेट क्या है, एक ग्रुप है बहुत सारे नेटवर्क्स का, जैसे कि लैन, मैन, वैन, पैन, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, है ना, लैन, मैन, वैन, पैन, इन सारे के सारे नेटवर्क्स को मिलाकर हमारा क्या बनता है, इंटरनेट। अब ये क्या करता है, दैट कनेक्ट कंप्यूटर्स, जो हमारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, लैपटॉप, टैब, सेलुलर फोन, एंड्रॉयड फोन, विंडो फोन, ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार में जितने भी कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, सेलुलर फोन, एंड्रॉयड फोन है, विंडो फोन है, उन सबको आपस में कनेक्ट करता है विद इन पर्टिकुलर सर्वर, किसी खास सर्वर के साथ। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम इंटरनेट में, वेयर वी कैन सर्फ, जहाँ पे हम सर्फ कर सकते हैं, यानी कि चीजों को ढूंढने का काम कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं,
अपलोड एंड कैन डाउनलोड, भेज सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अपलोड करना मतलब भेजना, डाउनलोड मतलब रिसीव करना, ठीक है। एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग किस किस चीज़ के बारे में, न्यूज़, स्पोर्ट्स, गेम्स, मल्टीमीडिया होता है, ऑडियो वीडियो फाइल, साइंटिफिक रिसर्चेस, वैज्ञानिक खोजें, वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की भविष्यवाणी इत्यादि, यानी कि सारी की सारी इस इंफॉर्मेशन को हम इंटरनेट पे डाउनलोड कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट समझ आ गया, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट इज ए ग्रुप ऑफ लार्ज नेटवर्क्स, ठीक है, बहुत सारे नेटवर्क्स को मिलाकर हमारा इंटरनेट बनता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी था, कल फिर हम नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक आप सभी घर पर सुरक्षित रहिए, जय हिंद, जय हिमाचल।